गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, अगस्त खत्म होने को आया है लेकिन अभी तक प्रियदर्शनी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दर्शकों, 6 महीने खत्म होने को आए हैं लेकिन बेंगलुरु में जो वो मामला हुआ था जिसमें डिलीवरी बॉय, जोमैटो डिलीवरी बॉय के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि उसने एक महिला को घूंसा मारा, लेकिन बाद में ये फेक क्लेम साबित हुआ, आज तक उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। वो लड़की बेंगलुरु से अब उड़कर महाराष्ट्र जा चुकी है। नाउ जस्ट चेंज द जेंडर्स। अगर इन मामलों में, दोनों ही मामलों में, ये जो फेक क्लेम के मामले हैं, इन दोनों ही मामलों में अगर हम महिलाओं की जगह पुरुषों को रख देते हैं तो जानिएगा स्थिति क्या होती है। स्थिति यह होती है कि वो दोनों अभी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते, उन पे मुकदमे होते, उनके घर की मां, बहू, बेटियां सब जेल में जाकर उनसे मुलाकात कर रही होती। यह है आज रात की स्टोरी। इसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आई एम वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़कर उन सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं जिनको ऐसा लगता है कि इस अभियान की शुरुआत करकर, इस जंग की शुरुआत करकर मैंने उनको बीच में छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। आपसे ज्यादा मैं परेशान रहा हूं। आपसे ज्यादा पूरे एक हफ्ते मैं सोचता रहा हूं कि कब वापस स्क्रीन पर आकर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, इस महाअभियान पर बात करूंगा। मैं क्यों बात नहीं कर सका, इसके पीछे एक कारण है और कारण है एक रिपोर्ट। दर्शकों, इस महाअभियान के तहत मेरे पास हजारों लाखों मैसेजेस आए, कॉल्स आई, कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया और एक बहुत बड़ा वर्ग मेरे साथ जुड़ गया। उन्होंने मेरे को अपनी दास्तान सुनाई, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाई और ऐसी ही एक कहानी पर मैंने संज्ञान लिया, मैंने रिपोर्ट्स ली और उसी रिपोर्ट पर हम लोग काम कर रहे थे, उसी स्टोरी पर हम लोग काम कर रहे थे, जहां पर आपको सुनकर दुख होगा। एक लड़का जिसकी हस्ती खेलती शादी होती, वो लड़का शादी करता है, अरेंज मैरिज होती है, लड़की शादी करकर उसके घर आती है और शादी के तुरंत बाद वो लड़की फेरे लेने के तुरंत बाद, वो लड़की मंगलसूत्र पहनने के तुरंत बाद जब लड़के के घर पहुंचती है तो कहती है कि सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फैमिली के दबाव में मैंने तुमसे शादी की और अब तुमको ऐसे ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा। लड़का क्या ना करता, उसने एक्सेप्ट किया, उसने सोचा ठीक है, कुछ समय के बाद शायद ये अपने अफेयर के पहले जो भी शख्स रहा है उसको भूल जाए और चीजें स्मूथ हो जाए। लेकिन नहीं, आज की कहानी यह है कि लड़की के घर वाले उस पर दबाव बना रहे हैं कि लड़की को रखो, नहीं तो तुम पर फेक केसेस दायर करेंगे। और लड़की कह रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बिकॉज आई लव समवन एल्स। और आज लड़का और उसकी पूरी फैमिली इस कदर दुखी है, इस कदर परेशान है, दे वर ऑल क्राइंग। और उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, उस स्टोरी को करने के लिए मैंने इतना समय लिया एंड आज मैं आपके सामने हूं उस स्टोरी को लेकर। दर्शकों, ये महाअभियान जो है, ये प्रियदर्शनी लखनऊ की एक लड़की जिसने एक पुरुष को 22 थप्पड़ मारे बीच चौराहे पर, अगस्त खत्म होने को है, महीना खत्म होने को है, महीने की जो शुरुआत हुई थी इस घटना के साथ हुई थी और महीना खत्म, घटना खत्म, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ा। प्रियदर्शनी का मैटर एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है, यह एक बहुत बड़ा महाअभियान है जिसको महज कुछ दिनों में नहीं समेटा जा सकता, क्योंकि बड़े बदलाव टेक्स वेरी मच टाइम, बड़े बदलाव बहुत समय मांगते हैं। ये महज आप सोचते हो कि 24 घंटे, 48 घंटे, 24 दिन, 24 महीने में ये चीजें नहीं हो सकती। और मैं यूं ही इस अभियान को चलाता रहूंगा, इस महाअभियान को चलाता रहूंगा जब तक सब इक्वल नहीं हो जाते सच में। दिस इज फाइट फॉर इक्वालिटी, ऊपर चल रहा है फाइट फॉर इक्वालिटी। ये लड़ाई है बराबरी के लिए, क्योंकि सोचिए, ये जो आज रिपोर्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें अगर
शादी के बाद एक पुरुष कहता कि नहीं, मैं किसी और महिला से प्रेम करता हूं, तुम्हारे साथ सिर्फ मजबूरी में रह रहा हूं, तो घटना क्या होती? आज मैं कितने गुस्से में इस स्टोरी को कर रहा हूं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आप वो रिपोर्ट जो देखने जा रहे हैं, हमारी सहयोगी ने जो रिपोर्ट की है, हमारी सहयोगी ने जो पूरी बातचीत की है, जब आप उस लड़के को दुख को, उस पुरुष के दुख को देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मेरे इस क्रोध का कारण क्या है। I can't express in words how angry I am tonight. लेकिन दर्शकों एक बात बता दूं, बहुत से लोगों ने मेरे पर्सनल मैसेजेस में मुझको मैसेज किए, इनबॉक्स में, तमाम जगहों पर, हमारे चैनल को मेल किए, हमारे चैनल की आईडीज पर मैसेजेस आए कि कावेंद्र चौहान बीच में ये मुद्दा छोड़कर चले गए। लेकिन नहीं, ये लड़ाई सिर्फ कावेंद्र चौहान की नहीं है, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हर उस पुरुष की, हर उस शख्स की है, हर उस महिला की है, कि जिनको इस फेक फेमिनिज्म, फेक केसेस के चलते उनका पूरा घर तबाह हो गया और वो छू तक ना कर पाए, इन चीजों को आज तक आवाज नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये आवाजें दबती रही, कुचलती रही और इनको दबाया गया। लेकिन अब नहीं, यह अभियान यूं ही चलता रहेगा और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, इट्स अ बिग ब्रेकिंग। हमारी फोन लाइंस 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रोजाना खुली हैं। नीचे नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और रोज मेरे साथ, रोज Bharat@9 में जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कहानियां सुनूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपकी बातों को सरकार तक, कानून तक, प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। Bharat@9 सिर्फ वो कार्यक्रम नहीं जो अपनी खबरें आपको सुनाए, अपनी स्टोरीज आपको सुनाए, ये मेरा, मेरे दर्शकों के बीच एक संवाद कार्यक्रम है और इस संवाद कार्यक्रम की अब शुरुआत हो चुकी है। और आज मैं एक बार फिर आपसे वादा करता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह महाअभियान यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग इसको दबाने की कोशिश करेंगे, कई लोग साजिशें करेंगे, कई लोग रोकेंगे, कई लोग गलत तरीके का दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन Bharat@9 में कावेंद्र चौहान एक पल भी नहीं डिगेगा, क्योंकि कावेंद्र चौहान कोई पीपल के पेड़ का पत्ता नहीं जो हवा के झोंके से गिर जाए। फोन लाइंस खुली है, रोज रात में आऊंगा और फोन लाइंस खुली रहेंगी, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी कहानी मुझ तक बता सकते हैं और जो कल्प्रेट्स हैं उनका खुलकर बताइए उनके बारे में। हम हर जगह मौजूद हैं, आप अगर फोन पर हमको देख सकते हैं तो JioTV, MX Player, तमाम जगहों पर, जितने भी OTT जगह हो, YouTube पर हम आपको यूं ही लाइव मिलेंगे। और केबल नेटवर्क्स की बात करूं तो डैन पर बहुत जल्द, विद इन वीक हम मौजूद होने वाले हैं, तमाम टाटा स्काई, एयरटेल, हर जगह हम आपको दिखेंगे। और अब यह क्रांति की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर जगह पहुंचेगी। और आज इस महाअभियान की शुरुआत में पहली कहानी देखिए मेरी सहयोगी काजोल नारायण ने, जिसको रिपोर्ट करा है आपकी स्क्रीन पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण जी, जिनकी अपनी एक कहानी है, तो आज प्रवीण जी से आपको हम रूबरू कराएंगे और उनकी कहानी, उनकी दास्तां आपको सुनाएंगे। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी 16 फरवरी को शादी हुई है और मेरी जो वाइफ है, 17 की रात को उसने तलाक के लिए बोल दिया मेरे को, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और उसने संबंध बनाने के लिए मेरे को हर तरह से मना कर दिया। 16 फरवरी को आपकी शादी हुई, 2021, यानी कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया कि शादी की रात ही, मतलब अगले दिन ही तलाक के लिए बोल दिया, डाइवोर्स के लिए बोल दिया, कि क्या वजह हो सकती है? मैम, ये तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने भी कभी उससे बात नहीं करी उस पर्पज में, ना शादी से पहले फ़ोन पे हमारी कोई बातें नहीं हुई उससे, बट उसने मेरे को 16 को मेरे साथ आई है शादी करके और 17 की रात को उसने मना कर दिया है।
उस वजह को मैं 1.5 महीने बाद पता लगा पाया था। वो वजह ये थी कि वो किसी खास नाम के लड़के से प्यार करती है और उसके साथ उसके जैसे भी संबंध है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने स्पष्ट बोला है, मेरे पास वीडियो वगैरह सब कुछ उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने बोला है मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके साथ ही रहूँगी, उसके जैसे मेरे को कोई प्यार नहीं कर सकता और आप मेरे को कहीं से भी पसंद नहीं हो, आज नहीं तो कल मैं आपसे दूर होंगी होंगी। तो जो आपकी पत्नी है वो आपसे ये कह रही है, तो क्या शादी से पहले जो आपकी पत्नी है उनके घर वालों को ये चीज़ नहीं पता थी, और क्या आपने पहले नहीं पूछा कि आपको कोई और पसंद है या आपको बताया गया हो, क्योंकि घर वालों की मर्जी से आप लोगों की शादी हुई है, तो क्या बातचीत नहीं हुई थी उससे पहले? नहीं, इस विषय में बातचीत नहीं हुई थी कि लड़की किसी और से, मतलब वो चीज़ नहीं हुई थी, बट ये ज़रूर उनको हमें जो डाउट है, हमारे पास वीडियो है उनके दादाजी की, उन्होंने स्पष्ट बोला हुआ है कि मैंने वीडियो में, मेरे पास है, हमारे घर में आए थे, उन्होंने मीटिंग करी थी तब, फैमिली मेंबर बैठे थे, उन्होंने बोला था कि ये हमने वो लड़का को एक बार पकड़ा था, उसने धोखे से फ़ोन करा था उसको और उसको बुला के हमने उसको चाटे मारे थे, वो एक साल पुरानी उन्होंने ऐसे करके बोला बात है, बट यानी घर वाले जानते थे और आप लोगों को बताया था? आप लोगों को नहीं बताया, सिर्फ शादी के बाद बताया। अच्छा, मैटर बढ़ रहा है तब उन्होंने हमको ये बात, वो भी हमने उगलवाया उनसे परेशान होने के बाद, तब उन्होंने हमको ये बात बताया कि वो नहीं, ऐसे ऐसे बात थी कि वो लड़की किसी और का, आकाश नाम का लड़का था, हमने उसको बात करते हुए पकड़ा था फोन पे। तो जो आकाश नाम का लड़का है वो कहाँ का रहने वाला है, कोई जानकारी? वो उसी की गली में 4th-5th मकान है उसका, जो उन्होंने मेरे को बताया, मेरी वाइफ ने, कि वो 5th-6th मकान है, उन्होंने उसको बहुत मारा पीटा है और वहाँ से उनको मेरे को लगता है भगा दिया है, वो वहाँ पर है नहीं, और ये लड़की बार बार अपने घर जाने की जिद करती थी मेरे से। तो आपकी जो पत्नी है क्या फ़ोन पर लगातार उस लड़के से बात होती है उनकी? हाँ, शादी के बाद 1.5-2 महीने तक मेरे को तो अभ्यास नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ और मेरा, कहाँ जॉब करते हैं? मैं एडवाइज़र है दैनिक जागरण की, मैं उनकी गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो उन्होंने, मैं तो जॉब पे चला जाता हूँ, उनका एक पर्सनल रूम है हमारा, उसमें उनके पास फ़ोन था, घर से लाई थी, उस फ़ोन से वो लोग आपस में बातें करते थे। तो इस बात की जानकारी आपको कब हुई कि किसी गैर मर्द से आपकी बीवी बात कर रही हैं, गैर मर्द से संबंध रहे हैं और अब भी वो किसी और किससे प्यार करती हैं, किसी और के साथ रहना चाहती हैं? मेरे को डाउट तो काफ़ी टाइम से हो रहा था, बट मेरे पास कोई सबूत नहीं था किसी चीज़ का। तो मेरी मौसी का लड़का हमारे साथ रहता था, वो बाहर रूम के बाहर बैठा हुआ था, तो उसने आवाज़ सुनी, उसने मेरे को लीक पॉइंट दिया, भैया भाभी कहीं बात करती है, मैंने होगा कहीं घर भर में बात करती होगी। फिर मैंने एक दिन रात को कहीं से आया था, मैंने उसको प्यार प्यार से पूछा और पूछने के कारण उसने मेरे को बता दिया कि मैं किसी आकाश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि मेरे पास उसके बयान की वीडियो है। चलिए ठीक है, ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जब आपकी शादी तय हुई थी तो शादी से पहले क्या आपकी अपनी जो पत्नी होने वाली थी तब बात नहीं होती थी? वो उस हमारी कोई बात नहीं हुई थी, ना ही हमने, उन्होंने मेरे को देखा था, ना ही हमने देखा, ना हमारी कोई आज तक बात हुई थी। उनके चाचा जी से बात होती थी लगातार, एक एक घंटा, दो दो घंटा, बट उन्होंने आज तक हमको वो लीक पॉइंट हमें नहीं बताया कि हमारी लड़की में ये कमी है। चलिए, तो आप क्या परिवार वालों से, जो आपकी पत्नी उनके परिवार वालों से बताए कि ऐसे ऐसे बात है, आप क्या चाहते हैं आगे, क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे? इससे पहले कोई कंप्लेन कुछ करवाया? हाँ जी, ये हमने कंप्लेंट वगैरह, हमने अपनी तरफ से बहुत सारी कमियाँ कंप्लेंट वगैरह करी हुई है, सब हमारे पास सबूत हैं। और ये शादी का कार्ड है? ये मेरी शादी का कार्ड है, ये हमने कंप्लेंट वगैरह करी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई किसी भी तरह से सुनवाई नहीं हुई है और हम बहुत परेशान होने के बावजूद आपके पास आए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी पत्नी ने तो आपको तलाक लेने के लिए बोल दिया है, क्या आप तलाक लेना चाहते हैं? बिल्कुल, जब हमारे संबंध नहीं है किसी तरह के और बिल्कुल उसने निश्चित निर्णय ले रखा है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी किसी भी हाल में, तो हमारा जीवन नहीं कटेगा एक साथ। शादी के अपने घर वालों के दबाव में आपकी पत्नी ने की? हाँ जी, उसके घर वालों का प्रेशर था, मेरे से उसने बयान दिए हैं कि मेरे घर वालों ने मेरे को प्रेशर से मेरी शादी कर दी है और मेरे को ये नहीं पता था शादी के बाद ऐसा कुछ होता है और नहीं तो मैं आपके साथ शादी नहीं करती, तो उसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती शादी कराई है। जो आपकी जो पत्नी है
जिससे वो प्यार करती हैं, मतलब आकाश नाम का जो लड़का है, क्या उनके परिवार वालों से आपकी कोई बात हो पाई है या उनके कांटेक्ट में आपकी पत्नी के जो घर वाले हैं वो बात करते हूँ? नहीं नहीं, मैंने ना एक बार उसके लड़के का नंबर नहीं मिल रहा था, मैंने उसको अपना फ़ोन दिया था, मैंने इस फ़ोन से फ़ोन कर ले और मैं तेरे से शादी करा दूँ अगर तेरे को इतनी जिद है, छोड़ दे सबको। मैं मतलब आप शादी कराने के लिए भी तैयार हैं उस लड़के से? मैंने उसका दुख नहीं देखा, मैं तेरे साथ हूँ हर चीज़ से, जैसा कहोगे मैं वैसा करने के, क्योंकि उनके घर वाले तो समझ नहीं रहे, उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं तुम ही रखोगे इसको, तुम रखोगे, वो रहना नहीं चाहती। तो मैंने बोला नहीं, तो जब आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती है, वो प्यार किसी और से करती हैं, रहना उनके साथ जाती हैं, तो जब आप भी चाहती हैं कि आपकी पत्नी जिससे प्यार करती है वहां रहे, तो फिर परिवार वाले क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वो रेंट पे रहता है, कमाता नहीं है, वो लड़की ने जो मेरे को बताया था, कमाता नहीं है, रेंट पे रहता है, और मतलब लवर टाइप में वो लोग खुशी नहीं मान रहे थे उसकी कि वहाँ पे उसके भेजे, और उनको ये पता था ये लड़का कमाता है, अच्छा परिवार है, अच्छे मतलब यहाँ के ठीक हैं जैसे भी हैं, और इनको जबरदस्ती इनके गले बांधो। लेकिन ये मतलब मैं कह सकती हूँ कि धोखे से शादी करवाई गई? बिल्कुल धोखे से शादी है, निश्चित बात तो ये लास्ट ये अंत आएगा, उन्होंने हमारे साथ धोखा करा है। अगर वो लड़की के अंदर कोई कमी नहीं होती तो जो उसने करा है वो वहीं के वहीं छोड़ देती तो हम मानते, उसने आती हमको अपनी सारी दास्तान बता दी है, इसीलिए वो हमारे साथ हर हाल में नहीं रहेगी, किसी भी हाल में। उसके घर वाले हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि तुम बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी ले लो, बड़ी ले लो, पैसे ले लो, और हमारी लड़की को मतलब तुम्हारे पास ही रहेगी। मतलब ये चाह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से दहेज ले लीजिए लेकिन लड़की आपको रखनी पड़ेगी। हाँ, और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप रखना नहीं चाहते, वो झूठा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि आप लड़की को रखना नहीं चाहते, मेरे घर पर लाओ, उनके दादाजी मेरे घर पर लाओ और यहाँ लिखित रूप में दो क्या हम इसको रखना नहीं चाहते, लिख के दो हमें, आप नहीं रखना चाहते, लड़की हमारी रहना चाहती है। तो लड़की के जो बयान है वो आपके पास हैं, तो क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई? कंप्लेंट कराई थी मैम, ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स, कॉपी भी है, कॉपी भी है, रिसीविंग है, बट उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनवाई करी, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? इंद्रपुरम थाने में। इंद्रपुरम थाने में एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और महिला थाना, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सबकी हमारे पास रिसीविंग है। अगर आपकी पत्नी आगे आती है सामने और बोलती हैं कि मुझे आपके साथ नहीं रहना और मुझे जिसे मैं प्यार करती हूँ उससे शादी करनी है, तो भी क्या उनके जो घर वाले हैं वो मानेंगे या नहीं? मतलब वो मेरे अगर मैं और उसको अगर खड़ा कर दिया जाए, वो दबाव में उनके उनके घर दबाव में बोल सकती है कि मैं इनके साथ रहूंगी, बट अगर हम दोनों से पर्सनल पूछा जाए तो 100 नहीं 101% वो मना कर देगी। अच्छा, तो क्या मतलब किस चीज़ का दबाव है? क्या वो टॉर्चर कर रहे हैं उसके फैमिली के अंदर? एक सेकेंड, मतलब जो अपने घर जाती हैं वो? हाँ जी। और अपने घर जाती हैं तो फिर क्या परिवार से बात नहीं होती इस मुद्दे पर? ये तो मैं नहीं कह सकता, उसके घर पर जब वो चली जाती है तो क्या बातें होती हैं क्या नहीं, वो मेरे को कुछ बातें नहीं बता। नहीं, कुछ आपसे शेयर किया हो कि इस चीज़ का दबाव है? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने मेरे को, दबाव वगैरह तो नहीं बताया, बट वो मेरे पास आने के बाद ये बोलती है मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती बस, और मेरे को और मेरे घर में मरने के लिए उसने 2-3 बार धमकी मेरे को दे दी है, मैं फांसी लटक जाऊँगी, मर जाऊँगी, और अभी रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले उन्होंने मेरे को एक पॉइंट दिया था कि मेरे घर वाले मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं और मैं सुसाइड कर सकती हूँ, या तो मेरे को मेरे घर छोड़ाओ या मेरे घर वालों को बुलाओ। तो आप लोग क्यों घर छोड़ के नहीं आते हैं? मतलब क्या घर वालों की तरफ से कोई धमकी मिलती है आप लोगों को? उनके घर वाले हम पे झूठा ब्लेम लगा रहे हैं कि आप रखना नहीं चाहते हो, आप मेरे घर आओ और हमें लिखित रूप में दो कि आप नहीं रखना चाहते। हमको ये डर है अगर हम जाते हैं हमें अरेस्ट करा लें या मारें पीटें क्या बदतमीजी करें, इसीलिए हम अपने छोटे भाई मौसी जी के लड़का हमारा उनके हाथ हमने उनको वहाँ पुछवा दिया। अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, तमाम चीज़ों के लिए प्रताड़ित करते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा उल्टा ही हो रहा है, यहाँ तो मतलब कहानी पूरी तरीके से अलग है। हमारा कोई दहेज का कोई भी रोल नहीं है किसी भी तरह का, जो भी दिया उन्होंने अपनी बेटी को दिया है और जो भी दिया अपनी बेटी के साथ सब कुछ ले जाए, हमें एक उनकी सुई नहीं चाहिए, बट जो हमारा लगाया हमारी दाग लगाया हमको
उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, हम बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेके। मतलब आपने अच्छे से ज़्यादा महीने जो हैं ऐसे ही प्रताड़ित होके गुजार दिए हैं। जी बिल्कुल, व्यर्थ हमारे गए हैं और गली मोहल्ले में आज समाज में मेरी बेइज्जती है कि मैं बीवी के साथ रहता हूँ बट हमारे बीच कुछ नहीं है, किसी को बताने से भी मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। तो आगे अब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या कोई मतलब कार्रवाई, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो नहीं हो पाई है, अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अब देखो मैम, जब पुलिस नहीं मानेगी तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का गेट खटखटाएंगे, उनको दर्शाएंगे अपनी परेशानी के जी ऐसे ऐसे परेशान है, क्योंकि वो भी हमको धमकियां दे रहे हैं झूठा केस बनाने के लिए। तो झूठा केस बनाने के लिए प्रूफ भी तो होने चाहिए। हाँ तो वो मेरे ना पिताजी के पास कीपैड का सेल फोन है छोटा, उस पे पापा को बोल रहे हैं हम तुम्हें नोड़ा नोड़ा के बुलाएंगे, तुम नोड़ के आओगे हमारे पास, और तो हमारे पापा थोड़े से नर्वस हैं, मतलब घबरा हुए हैं, मतलब डराया धमकाया जा रहा है जी, तो हम परेशान हैं, इसलिए पुलिस तो सुन नहीं रही, तो हम कोर्ट कचहरी जाएंगे। अब तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे एक बड़े भाई हैं और पिताजी हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, दो बच्चे हैं भाई जी। तो पूरा परिवार परेशान है पिछले 6 महीने से? बिल्कुल पूरा परेशान है परिवार। तो यहाँ पर पूरा मामला जो वो नज़र आता है वो ये है कि लड़की चाहती है कि वो जिससे प्यार करती है उसके साथ रहे, आप चाहते हैं कि हाँ जिस चीज़ में उसकी खुशी है वो वहाँ जाए, लेकिन परिवार ऐसा होने नहीं दे रहा है। परिवार को किस चीज़ का डर है वो समझ नहीं आ रहा है, परिवार क्या दबाव बना रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आपकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से ख़राब हो रही है। बिल्कुल ख़राब हो रही है, जब हमारे बीच कोई खुशी नहीं है शादी से और आज तक हम टेंशन में जी रहे हैं, तो बेकार है सब। जब वाइफ अपने हस्बैंड को खाना नहीं करके दे सकती। ये बताइए कि जो परिवार वाले हैं, आपकी पत्नी के परिवार वाले, वो आप पर जो दबाव बना रहे हैं, जो बार बार कॉल करते हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स, कोई वीडियो, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है? बिल्कुल है जी, सब कुछ हमारे पास। आपने पुलिस में नहीं दिए? पुलिस में नहीं दिए हमने, वो हमारी सुनते नहीं है, जब बुलाएंगे तभी तो उनको दिखाएंगे हम। नहीं तो आप बार बार जाइए ना, आप अपनी सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? पुलिस आपकी सुनवाई के लिए है ना, पुलिस बैठने के लिए नहीं है थाने में। देखते हैं एक बार, वो ट्राई करके देखते हैं। एक बार दोबारा जाइए पुलिस में, अपनी कंप्लेन कराइए, जो आपके पास प्रूफ है वो सारे प्रूफ लेके जाइए, पुलिस सुनवाई करेगी। उनके घर वालों को हमने कम से कम मैम 4 से 5 बार हमने बुला लिया इसी बातों पर, इन बातों के ऊपर। उन्होंने सिर्फ आके एक अपनी लड़की को हमारे घर में मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं तेरा इनसे नाश्ता खत्म है, फिर उसको हमारे पास भेज देते हैं। और हमारे घर 4 से 5 बार उनकी मीटिंग हो गई है बट वो सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे इन बातों को, और हमको डरा धमका रहे हैं हर चीज़ से। जो लड़की के घर वाले हैं वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी राजनीति से हों या कुछ ऐसा? नहीं ऐसा तो हमें पता नहीं है, बट ये कह नहीं सकते, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो नहीं तो किस चीज पे वो इतना ज्यादा दबाव बना रहे हैं आप पर, झूठे मुकदमे लगाने के ये दबाव बना रहे हैं? वो लोग लड़की के जो बयान के थ्रू वो हमको फंसा सकते हैं झूठे बयान से। और मतलब लड़की कभी भी अपने परिवार के पक्ष में बयान दे सकती है? बिल्कुल देगी वो उनके, क्योंकि जब शादी कर ली उन्होंने अपने घर के दबाव से, बार बार हमारे घर आ जाती है उनके दबाव से, तो बयान भी दे सकती है वो तो झूठे। और जो कि वो बयान देगी हमारे पास वीडियो सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सबूत है, हम उस बयान से नहीं डरते, जब हम साफ है तो साफ है। अब जो आपकी पत्नी है वो आपके घर ही रह रही है अभी? नहीं वो अपने पियर है, अपने घर चली गई है वो। तो वो वापस आप लेने जाओगे, आएंगी, मतलब क्या है, बात कुछ हुई है? नहीं वो मेरे को फ़ोन नहीं करती है किसी भी तरह का, नहीं वो आना चाहती है। और अब जब कहिए तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आज के बाद मैं इस घर में आऊँगी नहीं, चाहे मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन इस घर में मैं दोबारा नहीं आऊँगी। इन 6 महीनों में जो आपकी पत्नी का प्रेमी है, क्या वो कभी आपकी पत्नी से मिलने की कोशिश की उसने, क्या वो आया है, क्या आपने देखा है उसे? नहीं ये सब तो मैं नहीं देख पाया हूँ कभी, लेकिन उस लड़के का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया था, क्योंकि मैंने उसको मोबाइल उसका लड़के का रिचार्ज करा था एक बार, वो नंबर मेरे पास था, लेकिन उनके घर वालों ने उस लड़के को मारा पीटा और वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, वो मेरे पास नंबर था बट अब स्विच ऑफ है वो नंबर। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई आगे होनी चाहिए, किस तरह से आप मतलब अपनी परेशानियां पुलिस में भी कह चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आगे क्या कदम आपके हो सकते हैं, बस ये आखिरी सवाल होगा।
हम अब बस लास्ट ये है, आपकी कृपा हो और कोर्ट कचहरी जाएंगे, जैसा भी होगा देखते हैं, न्याय का साथ भगवान देता है, जैसा भी होगा देखते हैं, कोर्ट जाते हैं अब। ये थी प्रवीण जी की कहानी, या मैं कहूँ कि दुख भरी दास्ता, जो शादी करके ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं और लगातार पिछले 6 महीनों से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो दर्शकों, ये कहानी जो है इंदिरापुरम से है, इंदिरापुरम गाजियाबाद में लगता है, गाजियाबाद लगता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर संज्ञान लें और बाकी किस तरीके का पुलिस का बिहेवियर है, क्यों अभी तक पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर इस पर बात नहीं की, जब एक पक्ष लगातार पुलिस के पास जा रहा है, एक पक्ष लगातार पुलिस से अपनी बात कह रहा है, एक पक्ष लगातार पुलिस को बता रहा है कि वो किस संकट में है और कितना बड़ा संकट उनके सामने खड़ा है। अगर कल को ये पक्ष या उस पक्ष का कोई सदस्य किसी तरीके की, भगवान ना करे, अनफॉर्चुनेटली किसी ट्रेजेडी में, आत्महत्या, सुसाइड, किसी तरीके की किसी चीज में चला जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे मामलों में पुलिस को जल्दी ही कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में लगातार जिस तरीके से अभी तक पुलिस का बिहेवियर रहा है, अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, ये सब चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। ये स्टोरी मेरी सहयोगी काजोल नारायण ने इसको कवर किया और जो सामने पीड़ित था उसकी बातें सुनी। दूसरे पक्ष से हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पक्ष की जो तस्वीरें हमारे सामने थी, जो सबूत थे, वो हमने भी आपके सामने नहीं रखे हैं। दूसरे पक्ष से लगातार मैं बातचीत में हूं, अगर बातचीत सॉल्व आउट होती है तो दोनों पक्षों को अच्छे से मिलाने की संपूर्णतः पूर्णतः कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी। अगर बात नहीं बनती है तो दोनों पक्षों को हम लोग एक बड़े ही संयमित, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे और इस पर पुलिस को भी हम अपनी बातें कहेंगे, पुलिस तक भी हमारे रिपोर्टर्स पहुंचेंगे जल्द ही। बाकी आज फोन लाइंस खोली थी लेकिन यह पहला दिन था इसलिए बहुत कम समय रह गया है और लगातार मुझे पीसीआर से कॉल आ रही है कि कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बार बार जुड़ रहे हैं। आप आज के लिए आप कॉल मत कीजिए, 9 से 9:30 डेली निर्धारित समय है जिस पर मैं आऊंगा, जिस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और आज के लिए मैं माफी चाहूंगा। आज कॉल्स, अच्छा हमारे पीसीआर कह रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति है बार बार कॉल कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा ठीक है, तो वो बार बार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा फोनों पर लीजिए, जो भी व्यक्ति है, जो भी महानुभाव है। जी नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करिए, कावेंद्र चौहान मेरा नाम है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ बहराइच से। जी राकेश जी बताइए, आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बात रखिए अपनी। कावेंद्र जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं, आप जो देश में पत्रकारिता जिस तरह से कर रहे हैं, आपने मीडिया को बिल्कुल एक नया चेहरा दे दिया है। आप जैसी पत्रकारिता करते हैं ऐसी हर कोई क्यों नहीं करता? जी राकेश जी, ऐसी पत्रकारिता और कोई क्यों नहीं करता उनका तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे आप जर्नलिस्टिक इतिहास को देखेंगे तो मैं ऐसी ही पत्रकारिता करता रहा हूं, शायद इसलिए कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ जाता है। जी राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी राकेश जी करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था मेरे साथ क्या हो रहा है। जी राकेश जी बताइए। कारण जी, तो हमारी शादी हुई थी पिछले साल लॉकडाउन में जी, उसके बाद 15 दिन बाद मेरी पत्नी अपने मायके गई थी बोल के कि 2 दिन में आ जाऊंगी जी, और तब से ना वो आई है ना कोई बात करती है, उसे बुलाने जाओ तो उसके घर वाले लड़ते हैं, गालियां देते हैं। जी राकेश जी, आपने जो भी बात कही, आज समय की कमी के कारण मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले आपने मुझसे कांटेक्ट करने की जिस भी लिहाज से कोशिश की हो वहां पर आप कांटेक्ट करिए और जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीजें आपके पास, आप उनको दीजिए, हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे और आपकी जो भी आपकी परेशानी है उसको सॉल्व आउट जरूर करेंगे। राकेश जी, आप इससे पहले मुझसे बातचीत कर चुके हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी इंटरनेट के माध्यम से? मैंने आपको बहुत कोशिश की थी, मैंने आपको मैसेज भी किया था आपकी फेसबुक आईडी पर, मगर अब तक बात नहीं हो पाई, इसलिए आपने आज जो नंबर जारी किया मैं ठीक है, हमारे चैनल का राकेश जी जो ऑफिशियल मेल है
वो आपको मिल जाएगा आप उस ऑफिशियल मेल आईडी पर, आप ऑफिशियल जो हमारे चैनल की मेल आईडी है उस पर आप अपनी सारी रिपोर्ट्स और जो भी आपके पास सबूत हैं वो जरूर भेज दीजिएगा। राकेश जी हमको कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दुनिया भर के जो जहां से भी, कनाडा से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, जहां से भी लोग हमको देख रहे हैं उनसे बस एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा, 9 से 9:30 के बीच भारत एट 9 में फोन कॉल्स खुली हुई हैं, फोन लाइंस खुली हैं, आप अपनी कहानी अपनी परेशानी सब हमको बता सकते हैं। मैं आप सबकी बात सुनूंगा और सबकी परेशानियों को खत्म करने की भरपूर कोशिश करूंगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू टुमारो एंड गुड नाइट।